जय श्री राम दोस्तों, मैं ऋतिक बघेल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बघेल क्लासेस पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्जाम, स्पेशल एग्जाम और वोकेशनल एग्जाम की। जी दोस्तों, एमपी बोर्ड ने क्लास 10th के सप्लीमेंट्री एग्जाम और क्लास 12th के सप्लीमेंट्री एग्जाम, वोकेशनल एग्जाम और स्पेशल एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। क्लास 12th के सप्लीमेंट्री एग्जाम 14 तारीख को होंगे, वहीं क्लास 10th के सप्लीमेंट्री एग्जाम 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक होंगे और जो स्पेशल एग्जाम है वो 17 तारीख से होंगे और जो वोकेशनल एग्जाम है वो 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच होंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड के जो 12th के एग्जाम होते हैं वो मार्च में होते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ते हुए देखकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको पोस्टपोन कर दिया, जिसको फिर 9 जून से लेकर 16 जून के बीच 2 शिफ्ट में कराया गया। 12th क्लास का रिजल्ट 27 जुलाई सोमवार को घोषित हुआ, जिसमें जो ओवरऑल परसेंटेज रहा वो 68.81 रहा पास का, जो पिछले साल से 3.56% कम था। वहीं बात की जाए कि कितने बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है। जी हाँ दोस्तों, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी संख्या है 97,960 और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी संख्या है 23,570। वही बात करते हैं 10th क्लास की, तो इनका रिजल्ट 4 जुलाई को आया था जो कि 62.84 था और 1.52 इनका ग्राफ बढ़ा था। हम बात करते हैं 10th क्लास के सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स की, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो है 1,08,448 और जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो 29,083। 12th क्लास का सप्लीमेंट्री का एग्जाम होगा वो 14 सितंबर को सुबह 9 से लेके 12 बजे तक होगा, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आती है। वहीं बात की जाए 10th क्लास की, तो 10th क्लास का टाइम टेबल इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर को सबसे पहले संस्कृत का एग्ज़ाम होना है, वहीं 16 सितंबर को मैथ्स का और 17 सितंबर को जो तीसरी भाषा है जिनकी उर्दू, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, और 18 सितंबर को सोशल साइंस का, 19 सितंबर को जिनका सेकंड और थर्ड लैंग्वेज अंग्रेजी है वो, और 21 सितंबर को साइंस का और 22 सितंबर को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का, NSQF का। स्पेशल एग्ज़ाम उन लोगों के होने हैं जो किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। ये उनकी जो एग्ज़ाम होंगे वो 17 अगस्त से होंगे। उनके अभी तक 250 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसमें जो विद्यार्थी आएंगे उनकी कंडीशन बताता हूँ, जो खुद कोरोना पॉजिटिव थे या उनके परिवार में था या फिर कंटेनमेंट एरिया में रहने के कारण शामिल नहीं हो पाए थे। अब हम चलते हैं वोकेशनल कोर्सेज की तरफ। जी हाँ दोस्तों, वोकेशनल कोर्सेज वालों के एग्ज़ाम दोबारा कराए जा रहे हैं। उनके एग्ज़ाम 15 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक कराए जाएंगे। उनका टाइम टेबल इस प्रकार, 15 तारीख को स्पेशल लैंग्वेज, 16 तारीख को जनरल लैंग्वेज का है, 17 तारीख को वोकेशनल कोर्सेज का है, 18 तारीख को सेकंड पेपर है वोकेशनल कोर्स का, और 19 तारीख को वोकेशनल कोर्स का थर्ड पेपर है, और 21 तारीख को इंटरप्रेनशिप एनवायरमेंटल एजुकेशन का है। जी हाँ दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है, एग्जाम में नंबर कम आते रहते हैं, यह एक जीवन का एक पार्ट है, तो आप दोबारा पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम दीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो, मजे करो और पढ़ाई करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फ्यूचर। हैव अ ग्रेट डे।